इसको हम बीप मारते हुए ना, हाँ बीप मारते हुए, बीप मारते हुए ओके कुमार नहीं है, चेक करते हैं मारते हुए आता है जैसे कि ये रिंगर है, इसको हम चेक करते हैं कितना आया रीडिंग इसका, छः भी ओके है, छः से लेकर के दस के बीच में रीडिंग आता है, इस पर कंटिन्यूटी बजा रेंज बीप रेंज में चेक करने पे बीप बीप अगर आता है तो ओके माना जाता है, ये छः से दस लिख दीजिए, हाँ छः से दस मारते हुए बोर्ड का मान जो है 350 आर से 450 आर के लगभग 450 आर के लगभग होना चाहिए, और रिंगर का मान जो होता है 6 से 10 ठीक है, 6 से 10 बीप मारते हुए, बीप मारते हुए इसका बोर्ड क्या है, इसका बोर्ड है नहीं, इसका बोर्ड ये यहाँ है, अभी हमारा बोर्ड कनेक्ट हो चुका है ठीक है, यहाँ पर पहले रेड प्रो को हम क्या करेंगे, ग्राउंड में लगाएंगे, रेड प्रो ग्राउंड में रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर रिंगर टिप्स जो होता है बोर्ड में उस पर हम इसका रीडिंग चेक करेंगे ठीक है, 440 आया, यहाँ पर आया प्लस मानेंगे ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जब इसमें प्लस माइनस जीरो क्या प्लस माइनस यहाँ पर भी हम नहीं चेक कर सकते हैं ठीक है, देखिए यहाँ पर जाइएगा तो ग्राउंड से अगर ओपन होगा तो कुछ रीडिंग वहाँ पे नहीं आएगा, अगर ये कट जाएगा हाँ तो यहाँ पर कुछ रीडिंग नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर हम रेड प्रो को रखें ग्राउंड पे, जी सर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ठीक है, तो कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा ठीक, अगर ये कट जाएगा तो एक पर रीडिंग नहीं आएगा, एक नहीं कटा रहेगा तो उस पर रीडिंग आएगा, उस कंडीशन में हम चेक करने के दौरान ठीक है पता लगाएंगे इसके आसपास में जो क्वाइल लगा हुआ है ठीक है, उसको हम पहले चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका फ्यूज लगा हुआ है ठीक है, जुड़ा हुआ है हाँ ठीक है, इसे जुड़ा हुआ है, ये कटेगा तो हमारा इस पर बीप मारेगा लेकिन यहाँ से बीप नहीं मारेगा ठीक है, उसी तरह से इसका भी एक इस साइड का लगा हुआ है ठीक है, इस पर बीप मारेगा इस साइड से, लेकिन ये कट जाएगा तो इधर से ये बीप नहीं मारेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं दोबारा।